नमस्कार, न्यूज इंडिया फर्स्ट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साक्षी गुप्ता। इसी के साथ नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। हापुड़ जिले में 14 मई को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसके जरिए अधिक से अधिक वाद निस्तारित करने के लिए न्यायिक, प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी संयुक्त रूप से प्रयास कर रहे हैं। शनिवार को इस संबंध में हुई बैठक में जिला उपभोक्ता विवाद प्रतिरोध आयोग ने कहा कि वे राष्ट्रीय लोक अदालत में वादों के निस्तारण में गंभीरता बरतते हुए हर संभव प्रयास करते हैं। जुर्माना या सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित होने वाले वादों का राष्ट्रीय लोक अदालत के दौरान समाधान कराए जाते हैं, जिसके लिए लोक अदालत में निस्तारण कर 18,54,315 रुपए की धनराशि परिवार वादियों को प्राप्त कराई गई। जिला अध्यक्ष हूँ और आज जो हम लोग नेशनल लोक अदालत गठित किए हैं और उसमें हम अपना समर्पण कर रहे हैं और इस अभी तक 4 मुकदमे में डिसाइड किया गया है और उसमें सेटलमेंट अमाउंट है 18,54,315 रुपये अभी हुए हैं। और मैं कुछ ये बताना चाहता हूँ और लोगों को कि आए उदासीनता बहुत है, कोई मुकदमा अपना अपने राष्ट्रीय लोक अदालत या कोई लोक अदालत में निस्तारित कराना चाहता नहीं है। बहुत सारे ये बाधाएं हैं, कुछ लोग अधिवक्ता लोग भी अब कुछ परेशान करते हैं या कुछ पार्टी को समझाया नहीं जाता है कि वह अपने बात का निस्तारण लोक अदालत में कराए। और अगर उसको अगर ये पाठ पढ़ाया जाए, लीगल अवेयरनेस दिया जाए, तो ये बहुत ही संभव होगा। मैं अपने जीवन काल में न्यायिक सेवा में जब रहा तो वहाँ पर भी मैं सेक्रेटरी के रूप में काम किया हूँ और बहुत ही मामले को निस्तारण कराया हूँ और क्या बाधाएं आती हैं वो भी मैं सबको बताता रहता हूँ। सबसे बड़ी बाधाएं अधिवक्ता गण बुरा न मानेंगे, अधिवक्ता गण के द्वारा ही होता है। कुछ ऐसे भी मामले आते हैं जिसमें उनको फीस नहीं मिली रहती है तो वो नहीं कराना चाहते, जबकि चाहिए कि उनको अपने अपनी जो कहा गया कि प्रयास रहना चाहिए कि बहुत से मामले लोक अदालत से जुड़े हुए हैं। इसमें बहुत फ़ायदे हैं, एक तो आप तो देखते हैं परंपरागत जो लोग अदालतें जो चलती हैं, एक गवाह आता है, दूसरे जिरह होते हैं, दूसरी गवाह आता है, वह यह परंपरा इस यहाँ पर लोक अदालत में नहीं होती। ये सिंपल तरीके से है, आपको अगर कंप्रोमाइज़ कराना हो, समझौता कराना हो तो आप एक केवल दरख्वास्त दे दीजिए और अपने यहाँ पर पक्षकारों को बुलाकर, दूसरे पक्षकार बुलाकर उसकी सहमति ली जाती है। अगर वो सहमत हो जाते हैं तो बात का निस्तारण बहुत ही जल्दी हो जाता है। इससे एक फ़ायदा भी है, इसकी अपील नहीं होती है और जितने खर्चे अगर हैं लगे हुए हैं तो कम अगर लोक अदालत में निर्णय किए जाते हैं तो खर्चे वापस भी हो जाते हैं, जैसे कोर्ट फीस वगैरह जो लगा हो। वैसे तो यहाँ पर उपभोक्ता कोर्ट में तो कोर्ट फीस लगती नहीं है और जहाँ सिविल कोर्ट की बात है वहाँ पर जितने भी कोर्ट फीस लगे रहते हैं उसे वापस हो जाता है। और दूसरी बात जो मैं पहले बताया कि अपील नहीं होता है, इसका जो यहाँ फैसला अंतिम फैसला होता है और हम उम्मीद करते हैं कि जितने वादकारी हैं वो अपने मामले का निस्तारण लोक अदालत के माध्यम से कराएं और नहीं तो आप एक परमानेंट लोक अदालत भी है जो गठन 9 शहरों में कर दी गई है और जिलों में कर दी गई है और वहाँ भी बहुत प्री लिटिगेशन होता है। एक प्री लिटिगेशन का मतलब कि आप मुकदमा में जाने के पहले भी आप दरख्वास्त दे सकते हैं परमानेंट लोक अदालत में, तो वहाँ वह दूसरे पक्ष को बुलाकर समझौता करा देता है, मीडिएशन कराता है, जिसे मामले का निस्तारण बहुत आसानी से हो जाता है, लंबे समय से गुजरना नहीं पड़ता है, खर्चों से भी आप बचेंगे। इसलिए उम्मीद करते हैं कि वादकारी अपने बात का निस्तारण लोक अदालत के माध्यम से करा लेंगे।